संतोष भदौरिया से कैसे बना करौली सरकार। किसान नेता संतोष भदौरिया से कैसे बन गया करौली सरकार। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं बाबा का खेल। कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी चला रहा है दरबार। पुलिस ने क्यों नहीं की अब तक सख्त कार्रवाई। करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद एक और वीडियो आया सामने। इस वीडियो में दिख रहा है कि संतोष सिंह भदौरिया के बॉडीगार्ड कैसे डॉक्टर को धक्का मार कर बाहर ले जा रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया तो कई शिकायतें आई सामने। अब तो ये पक्का हो गया है कि ये रॉन्ग नंबर है। ये वही नंबर है जो कि लोगों के साथ धर्म के नाम पर धोखा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया की, जो कि करौली सरकार के नाम से चला रहा है पूरा खेल। पहले किसान नेता बनकर संतोष भदौरिया ने भी खूब खेला खेल, अब वो करौली सरकार के रूप में भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम खुलेआम कर रहा है। लेकिन अब बाबा धीरे धीरे फंसता नजर आ रहा है। लोगों को गुमराह करने के साथ ही उनसे पैसे लेकर बेवकूफ भी बना रहा है। करौली बाबा और संतोष सिंह भदौरिया पर कई आपराधिक आरोप लग चुके हैं। बाबा के खिलाफ सन 1992 से 95 के बीच कई मामले दर्ज हुए थे। 14 अगस्त 1994 को तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर संतोष भदौरिया पर रासुका की कार्रवाई की गई। जिस पर संतोष ने एनएसए हटाने के लिए गृह सचिव को चिट्ठी भेजी थी और जिसमें बताया था कि वो 1989 से किसान यूनियन में कार्यकर्ता हैं और इस बीच पुलिस से बचने के लिए वो किसान नेता बन गया और जमीनों पर भी अवैध कब्जा करने के आरोप लगने शुरू हो गए। अब नोएडा के डॉक्टर ने बाबा पर आरोप लगाया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने बाबा से चमत्कार की बात की तो बाबा के बॉडीगार्ड ने उन्हें कमरे में ले जाकर जमकर पीटा और लहूलुहान कर दिया। सवाल ये है कि बाबा के पास शक्ति है तो फिर बाबा के गार्ड ने डॉक्टर को पीटा क्यों? बाबा ने अपना चमत्कार डॉक्टर सिद्धार्थ को क्यों नहीं दिखाया? बाबा को चमत्कार दिखा देना चाहिए। ये कई सवाल हैं जिनका उत्तर जब बाबा उर्फ संतोष भदौरिया से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टर को एंजाइटी है, डॉक्टर डिस्टर्ब है। अब सवाल ये है कि जब डॉक्टर को प्रॉब्लम है तो फिर अपने चमत्कार से बाबा को ठीक कर देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने कोई और ही खेल कर दिया और इस खेल के बाद बाबा को सब कह रहे हैं कि ये बाबा रॉन्ग नंबर है। देखिए, एक देवघर के व्यक्ति हैं, झारखंड देवघर, उमेश यादव जी, उन्होंने सूचना दी है कि वो अपने पिता और अपने तीन भाइयों स्वयं को लेकर के, यानी कि चार लोग आए थे और 26 जनवरी को करौली आश्रम में उन्होंने बताया है कि वो गए थे। वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उन्होंने किया और उन्होंने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनके पिताजी कहीं चले गए और तब से उनके पिताजी जो है लापता हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने एडिशनल डीसीपी साउथ के ऑफिस में 9 फरवरी को दी और उसके बाद
उनको ढूंढने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही है वो की गई। उनका हालांकि छोटा बेटा भी लापता था जिसे उन लोगों ने ढूंढ करके वो लड़का मिल गया और वो उनके पास है फिलहाल। तो ये प्रकरण जो है वो एक व्यक्ति के गुम होने का है, लापता होने का है। हमने इन चीज़ों को समझा है कि क्या वो मेंटली स्टेबल थे, क्या वो उनका स्वास्थ्य ठीक था, किन परिस्थितियों में गए, उनके पास क्या क्या था, उनके पास कार्ड क्या था, उनके पास क्या कोई बैंक का एटीएम था, क्या उनके पास कोई मोबाइल था, उनके पास कौन कौन से डिटेल थे और जाने की संभावनाएं कहाँ कहाँ है। तो सभी तथ्यों को हमने समझा है, जानने की कोशिश की है ताकि हम बेहतर तरीके से इस कार्य को कर सके। हमने उनसे स्वयं बात की है, मैंने बात किया हूँ उमेश यादव जी से देवघर में टेलीफोन पे आज सुबह, और उन्होंने मुझे सारे वाक्य से बताया। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कुछ जानकारियाँ भी दी और उन सभी जानकारियों को लेकर के हमारा ये प्रयास होगा कि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रकरण को साफ करें, उन्हें ढूंढ कर ले आएँ। सर से दाग लग रही है क्या, वापस की बात की? देखिए, हमारे पास दो कंप्लेन हैं। पहला है गुमशुदगी, पहला है एक गुमशुदगी का है जो अभी हमने आपको बताया, और दूसरा हमारे पास डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी का कंप्लेन है जो कि विधरू थाने में एक मुकदमा दर्ज है 323, 504 और 325 आईपीसी की धारा के अंतर्गत। तो चूंकि ये मुकदमा दर्ज है, इसमें विवेचना की जा रही है, वीडियो फुटेजेज हमारे पास हैं और कई लोग जो वीडियो फुटेजेज में दिख रहे हैं हम उनके बयान भी ले रहे हैं, तो ये जो हमारी विवेचना की कार्यवाही है वो करके हम न्यायालय को 10-12 दिन में, 15 दिन में जितना जल्दी हो सके हम सौंप देंगे और न्यायालय उस पर विचार करेगा सही गलत क्या है। बस जो सूचना अलग अलग माध्यमों से मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि 1992 से 1995 के बीच में कुछ मामले इनके खिलाफ हैं। हालांकि अभी हम उसका डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं, बट 1992 से नहीं हुई ना, हमने किसी के साथ कोई मारपीट की है, ना ही हमने किसी को कोई गाली गलौज किया है, ना ही हमने किसी को तोड़ फोड़ की कुछ भी नहीं किया है, और ना ही ऐसे कोई तथ्य, सब भ्रामक तरीके से किया गया। अब अगर घटना की संदिग्धता इससे होती है कि इनके साथ जो भी कहीं हुआ, जहाँ भी हुआ हो, यहाँ अगर हुआ होता कुछ भी, तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, 112 नंबर पर कॉल करके और सीधे पीसीआर को फ़ोन कर सकते थे, आती हमको भी घटना के संज्ञान में आ जाती, क्योंकि घटना इससे यहाँ हुई इनके साथ, हम भी मदद करते उसमें कि दरबार के भक्त आएँ भाई, कोई ऐसी घटना ना घटे। कुछ नहीं किया इन्होंने। रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है, बीच में कानपुर जाने में कोई चौकी पड़ती है, सड़कें पर है, तो कम से कम चौकी में रुक करके अपने बात बताते हैं, परिवार साथ में उनके बता रहे था तो कुछ बताते, वहाँ भी कुछ नहीं बताया। बगल में वही कुरिया में अस्पताल हैं जो चौकी के बगल में, लाइन से कई अस्पताल हैं यहाँ से लेकर के और रोड तक, हाईवे तक 8 किलोमीटर तक, कहीं कोई चोट लगी होती तो चिकित्सा कराते। अब ये चिकित्सा दिखा रहे हैं, पता नहीं कब की, कहाँ की दिखा रहे हैं हमें तो पता नहीं, ये कहाँ कहीं और की दिखा रहे हैं कि वहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और ये कहानी बता दी। अब चलो ठीक, ये भी हो गया, तो आपको फिर सूचना देनी चाहिए जिम्मेदार अफसरों को शहर के कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, वो भी नहीं किया। और सीधे एक महीना बाद एकदम से जागे और प्लांट करके पूरा, लगता है पूरा केस बनाया गया, एक महीना बाद आप जाग रहे हैं और हमको नेम्ड करा रहे हैं। हम तो अपने केबिन में रहते हैं, शीशे केबिन उसके अंदर रहते हैं, भक्त आते हैं बाहर रहते हैं, हमसे तो अनटच व्यवस्था है। आप या किसी से पूछ लो, खुला है बिल्कुल कि गुरु जी मिलते भी किसी, छूते भी हैं कोई उनको, हमारे पैर भी छूता है, हम तो पैर भी नहीं छुआते किसी से, इसीलिए दूर रखते पैर भी ना छू, अनटच है सब, वो कह रहे हैं कि मारपीट की। तो एकदम भ्रामक, एकदम तथ्यहीन, आधारहीन बात है। ये साजिश ये है कि जो वैदिक परंपरा जागृत हुई है दरबार में, कि आप केवल आते हैं, अपनी वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हैं, आप प्रार्थना और संकल्प करते हैं अपने कष्टों रोगों के जाने का, और आपके कष्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग तड़पते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं, हमसे मिलकर थैंक यू बोलते हैं, तो वैदिक परंपरा का निर्वाह करके और प्रार्थना और संकल्प करके कि हमारे ये रोग कष्ट चले जाए, नष्ट हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करके, वो अच्छे होते हैं, हमको थैंक यू करते हैं आपके सामने। अभी आप देखना बैठ के, आप रिकॉर्ड करिए कि कैसे चले जाते हैं आराम से, थैंक यू करके अच्छे हो गए। दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिदनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा ये कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिदनू क्षेत्र में है,
उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई, उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लाख घूसों से मारा गया और उसके बाद उन्हें उस आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कि मेडिकल और अन्य साक्ष्य उनके पास हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचनात्मक कार्रवाई। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी एडवोकेट हूँ। सर करौली बाबा वाले प्रकरण में कुछ नया मोड़ आया, क्या मामला? नहीं मोड़ नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन दी है और वो एप्लीकेशन है कि इन्होंने भोलेनाथ और जो बाकी बिहारी जी हैं उनके लिए अपशब्द बोले, तो उसका वीडियो भी है जो अपलोड इन्होंने किया था अपनी साइट पे, जिसको मैंने सेव किया और उसकी इन्फॉर्मेशन दी। मैं हर्ट हुआ, मेरी आस्थाएं हर्ट हुई, तो मेरी आज मुझे बुलाया गया था सीपी साहब के यहाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं क्या आपको, तो हमने कहा मेरी आस्थाओं को चोट लगी है, तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं SIT गठित हो रही है, उसी में इसको क्लब करके इसकी जाँच कराता हूँ। क्या कार्रवाई कर? मैं कार्रवाई कुछ नहीं, मैं जो इन्होंने किया जो हमारे लॉ में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा दूसरा कोई रास्ता, तो मैंने बताया कि वो सीधे भगवान से आपके सामने आके माफ़ी मांगें, फ़ोटो डिलीट करें। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि वो मुझसे माफ़ी मांगें। अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं 100%। वो उनका एक वीडियो देखा कि सनातन धर्म को लोग अपमानित कर रहे हैं, तो ये कौन सा सनातन धर्म, जहाँ बाके बिहारी और केदारनाथ बाबा को अगर वो गलत कह रहे हैं तो ये सनातन धर्म की रक्षा तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको डिफेम कर रहे हो, कह रहे मेरी पूजा करो, ऐसा कहाँ पॉसिबल है कि भगवान को छोड़ के उनकी पूजा की जाए। बाकी वो अदर जो भी कर रहे हैं वो मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरी आस्थाओं को और जो समाज को गुमराह कर रहे हैं मुझसे उससे लेना देना। गुरु जी नमस्कार जी, खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर, तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं, तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं, यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना? तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए, और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही, मतलब सबके साथ होता ही है बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के बच्चे हैं, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल सब अच्छा होना, अब अच्छा आप लोग अच्छे हैं ही जी, समझ रहे हैं जी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया वो बाकी वही अच्छा हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा कुछ मित्रों ने मेरे ये बताया और भाई ने ये बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना है आत्मा तो नहीं घुस गई है? तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है, उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें भाई? आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भाई आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल दिया। निकाल दी? हाँ। उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी निकली, पूछ लेंगे। हाँ हाँ उसी से पूछ लो ना। ठीक धन्यवाद। जिसकी निकली है ठीक। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जी। आज हेलो डॉक्टर, इधर बोलो, आप दिखाते हैं इसको माइक, आप तुम्हारे चुनकर लेते हैं तो खेलते हैं। और मुंडे अभी तुम्हारी बजाय ठीक हो जाए, दो मिनट
इस पागल को बाहर निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं है।